लेकिन कला के अंदर बोरिए लेके आता रहा एसडीएम आ गई एक बोरिए चीट निकल जाता। अच्छा है लिखता है सब पढ़ा लिखा। नमस्कार प्रणाम, और आज है मंगलवार। जी हाँ, और इंटरमीडिएट एग्जाम का जो कि आज सेकंड लास्ट दिन है, और तमाम जो विद्यार्थीगण हैं वो बिल्कुल तैयारी करके, और देखिए कैसे मासूम सा चेहरा बना करके आ रहे हैं, और यही जब एग्जाम दे करके बाहर आते हैं तो बिल्कुल खुशी ही खुशी छलकता है। रुक जाइए भाई साहब, आइए जानते हैं क्या नाम है भाई साहब आपका। राजू कुमार यादव। राजू कुमार जी, तैयारी करके आए हैं आप? हाँ। ऐसा एग्जाम कैसा जा रहा है सेंटर पे? ठीक जा रहा है। इसके बाद जो है तमाम विद्यार्थीगण के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु कुमार, तैयारी करके आए हैं आज? यस। कौन सा विषय है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम निखिल सिंह है। कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से? बिहार, बिहार बोर्ड से कैसे पढ़ाई? तो ये सरकार का मान्यता प्राप्त हुआ है ना जी। तो उसी लिए हमारा बदली हो गया है। लेकिन हम ऊपर से पढ़े खाती। बहुत अच्छी बात जो है भाई साहब कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है क्या है, जो कुछ लोग हैं जो कि बिहार से उत्तर प्रदेश जाते हैं पीने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश से ये बिहार आए हैं पढ़ने के लिए। तो बताइए इस सेंटर पे एग्जाम कैसा जा रहा है? इस सेंटर पे एग्जाम काफी अच्छा जा रहा है। कड़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? कढ़ाई तो कर रहे हैं। एक मैडम है, वो ढेर पीछे पढ़ रही है लड़कों के। अच्छा, मैडम आती है मतलब बाहर आती है? हम लोग को देखते रहती है खाली। और कुछ नहीं करती है। ऐसा तो नहीं कि वो पसंद करती हूँ? अब क्या मालूम, लड़कों के दिल में यही तो होता है। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नजर से देख रही है, ऐसा देख रही है कि भाई जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कानून है, उसको मतलब करार रखने के लिए वो ऐसा कर रही है। ठीक कर रही है, चीट छीन ले रही है लड़कन का, चीट छीन ले रही है। तो ये तो करना ही है। लेकिन बाद में अगर 12 लड़का जानते हैं यहाँ पे चेकिंग होता है, सब कुछ, किसी का कुछ नहीं पकड़ाता है। लेकिन कैलाश के अंदर बोरिए लेके आता रहा एसडीएम आ गई एक बोरिए चीट निकल जाता। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी खुलासा कर रहे भाई साहब, कह रहे हैं कि चेकिंग होता है लेकिन एक भी पार्ट पुर्जा नहीं मिलता है, और वही कोई अधिकारी आ जाए, अगर बोरा बिस्तर आ जाए तो एक बोरिया मिल जाता। विकास कुमार, एग्जाम है आपका? नहीं, मेरा भाई का है। अच्छा, आपके भाई का है, तो चलिए अच्छा जा रहा भाई साहब। हाँ साहब, बहुत बढ़िया जा रहा है। तो आप चीट कराने के लिए तो नहीं आते? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग अपने वाटे से साथ आते हैं बैग पकड़ने के लिए। आगे किधर पढ़ते हैं? हाँ दादाजी, किनका एग्जाम है? किनका एग्जाम है? लड़का का। लड़का का एग्जाम है? अच्छा, एग्जाम जा रहा है उनका जी। और मतलब कैसा माहौल है? लड़का बताते होंगे ना सेंटर पे, जैसे अच्छा माहौल है, कड़ाई ज्यादा है, कैसा कह रहे हो? अच्छा है, लिखता है सब, पढ़ा लिखा बच्चा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, चलिए दोनों का ऑप्शन मिलता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सूट बूट और पगड़ी में, क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक कुमार सिंह। एग्जाम है आपका? नहीं, मेरा भाई का है। भाई का है, चलिए इनका भाई का है, क्योंकि परीक्षार्थी जितना आए हैं ना उतना उनके परिवार से जो है वो आए हुए हैं, क्योंकि उनको एग्जाम दिलाने के लिए। भाई साहब का एग्जाम है, क्या नाम है आपका? रवि रंजन। रवि रंजन जी, कैसा एग्जाम जा रहा है? अभी तो फिलहाल ठीक जा रहा है। फिलहाल ठीक जा रहा है, और किस चीज का आज एग्जाम है? आज हमारा एग्जाम जो है, देखिए आप देख करके बता रहे हैं, क्या कह सकते हैं, अभी फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है सबके साथ, तो हमको भी ऐसे ही मिला के चलना पड़ेगा ना। अब एग्जाम कैसे चल रहा है अभी, ये तो अब विषय कौन सा है आज? आज विषय केमिस्ट्री का है। आप पढ़ के बता रहे हैं जी? फिलहाल तो अभी ऐसे ही निकाले एडमिट कार्ड, अब नीचे देखने का मतलब आप समझ गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? साकी बोली। कैसा एग्जाम जा रहा है? अच्छा जा रहा है। क्या ये जैसे कि आप कैमरे की तरफ मुड़े ना, क्या ये टोपी पहन के जा रहे हैं तो क्या चेक हो रहा है? नहीं नहीं होता है। नहीं होता है, तो आप तो इसमें छुपा कर लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जाते हैं। नहीं लेके जाते हैं, मतलब पढ़ के आते हैं आप? नहीं, पढ़ के भी नहीं आते हैं। पढ़ के भी नहीं आते हैं, तो लिखते क्या है? लिखते नहीं है, लिख देते हैं सब।